इजी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें, और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेट प्रॉफिट क्या होता है और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक लॉजिक क्या है। तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने से पहले हम इसकी एक्सप्लेनेशन को जल्दी से रीड करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ सेल्स रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट ऑफ अ गुड सोल्ड। आई अज्यूम दैट नेट प्रॉफिट मीन ऑल रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंसेस, द कॉस्ट ऑफ अ गुड सोल्ड, द सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंपनी ओपन की और आप जो है ना, आपकी कंपनी क्या है, आप कैलकुलेटर बनाते हैं। आपने एक कैलकुलेटर बनाया, उसके ऊपर आपकी जो सिर्फ बनाने की कॉस्ट है ना, उसके ऊपर मटेरियल की और सिर्फ उसके ऊपर लेबर की जो कॉस्ट है वो कितनी आई, 100 रुपया, 100 रुपया कॉस्ट आई। तो आपने वही कैलकुलेटर जो है ना बेच दिया 150 रुपीज में, मतलब 150 रुपये में आपने बेच दिया। तो 150 रुपया जो है ना वो आपका रेवेन्यू है। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब बेचते तक आपकी जो कॉस्ट आई है वो 100 रुपये है। तो जब 150 में से 150 क्या है, आपका रेवेन्यू, जितनी सेल्स और रेवेन्यू सेम चीज़ है, जितनी सेल्स होती हैं उतना ही रेवेन्यू होता है। तो आपके पास 150 रुपये आया, 150 में से 100 को माइनस किया, जितनी आपकी कॉस्ट थी, जो 50 रुपये बचे वो 50 रुपये क्या है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो आगे है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है, आपने 100 रुपया लगा आपकी प्रोडक्ट पे सिर्फ रॉ मटेरियल का और लेबर की मजदूरी का, जो आपने उसके ऊपर बिजली का बिल पेयर किया, जो उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया, इस तरह के सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो डाले, तो 20 रुपये वो बन गए। तो इसका मतलब जो आपकी टोटल कॉस्ट है जो गुड के ऊपर, वो टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 120 रुपये। जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गए, आपने दूसरे मुल्क में किसी और शहर में वो अपना कैलकुलेटर भेजा, उसके किराया भी लगा, इस तरह के जो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो 20 रुपये आ गए। तो इसका मतलब 100 रुपये तो सिर्फ बनाने के और मजदूरी के थे, 20 रुपये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब 100 को 20 में ऐड किया तो टोटल हो गए 120। तो आपने चीज़ बेची कितने की थी, 150 की। तो 150 में से जब 120 को माइनस किया तो जो 30 रुपये बचे उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट। जो असल प्रॉफिट होता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। जो सिर्फ हमें एक चीज़ के ऊपर प्रॉफिट मिला, जो हमने बेची, जो उसके ऊपर मुनाफा है, वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक और इजी एग्जांपल देता हूँ। आपने एक मोबाइल लिया 5000 रुपये का और 1000 रुपये आपका किराया लग गया। बड़ी दूर से आप मोबाइल लाए किसी दूसरे शहर से, तो आप जब इधर आए ना अपने घर के पास, आपके दोस्त ने देखा, आपके दोस्त ने कहा यार ये तो बड़ा प्यारा मोबाइल है, ये आप मुझे दे दो। आपने कहा 7000 रुपया लूँगा भाई, 7000 रुपया। उसने कहा चलो कोई मसला नहीं, 7000 रुपया ले लो। तो आपका मोबाइल कितने का आया था, 5000 रुपये का। तो जो 2000 रुपया सिर्फ आपको प्रॉफिट है मोबाइल के ऊपर, पर अभी आपने देखना कि आपको असल प्रॉफिट कितना हुआ है, आपका नेट प्रॉफिट कितना है। तो आप कहेंगे 1000 रुपया तो यार मेरा किराया भी लगा, ओहो 1000 रुपये आपने फिर उसमें किराए को डाला, तो टोटल आपका जो खर्चा हो गया वो था 6000 रुपया। तो फिर 7000 में से 6000 को माइनस करेंगे, जो 1000 रुपया बचा वो आपका था नेट प्रॉफिट। इसी तरह किसी भी टाइप का नेट प्रॉफिट आ जाए किसी कंपनी में, कोई भी क्वेश्चन, तो आप इसी लॉजिक को मेरे को माइंड में रख के इसके कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब लाइक बिल्कुल फ्री है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।